हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। यहाँ देखिए दोस्तों, लग गई थी सुबह में कामों में और सबसे पहले मैं पूछ ले रही हूँ गैस वैस। और आज ना शिवांश का थर्ड पेपर था, तो शिवांश और प्रिंसी दोनों चले गए हैं स्कूल। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी घर के कामों में, तो सबसे पहले गैस वैस पूछ ली थी। और थोड़ा बहुत जैसे ऐसी होता है ना कि एक एक हाथ सब जगह लगा दो, तो बस उसी तरह से मैं सब जगह का अच्छे से जो झाड़ने उड़ने वाला होता है सबका काम कर दी। जैसे जो पोछना उछना होता है, गीला कपड़ा ले लेती हूँ ना, तो उसी से जो आटा की टंकी चावल वावल का होता है ना, जिससे मैं पोछ उछ लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखी कर ली थी और उसके बाद मैं लगा दे रही थी बर्तन, क्योंकि बर्तन ना दो तीन दिन से मैं रात ही में धो लेती हूँ। जो भी जितना रात का बर्तन होता है ना, तो सारा बर्तन मैं धुल लेती हूँ, तो जिससे ना सुबह बर्तन का काम तो थोड़ा रहता है बर्तन सुबह, लेकिन थोड़ा कम रहता है बर्तन। तो यहाँ पे देखिए जितना बर्तन था मैं पहले सब लगा दूंगी और उसके बाद फिर लगाऊंगी सब जगह की झाड़ू। तो यहाँ पे देखिए शिवांश इस कमरे में पढ़ाई करता है, तो मैं कही चलो पहले यहाँ का कर दूँ, जो नाश्ता ये सब कर रहे थे ना, तो सारा बर्तन हटा दूंगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ का भी अच्छे से बिस्तर कर दूंगी। और शिवांश का ना पूरा जितना भी किताब कापी सब रहता है, तो अपना यहाँ पे ही पढ़ाई करता है, तो जिस वजह से पूरा फैला हुआ है। तो मैं कही चलो एक बार ऐसी हल्के हाथ से सरिया देती हूँ और उसके बाद जब शिवांश का पेपर हो जाएगा, तो फिर जितनी भी इसकी किताब कापी होगी, तो यहाँ से सब मैं अच्छे से एकदम करूँगी। अभी मैं जान के नहीं करती ना, क्योंकि वो उसे अच्छा नहीं लगता, कहता मम्मी भी जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक हमारा कुछ मत छुआ करो, जैसे हम रखें वैसे रहने दो। मैं कही चलो ठीक है भाई, पेपर है तभी तक छूट है तुम्हें, और उसके बाद मैं कुछ ना फैलाने दूँ। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं आंगन में आ गई थी, तो आंगन में जो दो तीन डब्बा अब्बा ले आए थे ना दुकान पे, जैसे डब्बा सब खाली हो जाता तो घर पे ले आते हैं, तो लेते आए थे। मैं कही चलो अच्छा इसे भी आज बर्तन का भी, तो इसी को धो के रख दूंगी। और यहाँ पे देखिए सब ये इसमें ना खाजा रखा हुआ था, जो शादी में खाजा वजा आता है ना, तो किसी के यहाँ से आया था घर से, तो बस वही सब इसमें थैली उली में रखा था। तो वही मम्मी से मैं कही किसी को दे दे, क्योंकि हम लोग ना ये सब खाते नहीं है, ना तो मुझे पसंद ना बच्चे मेरे खाजा वजा खाते हैं। और मम्मी के यहाँ से जो मिठाई आई थी, मिठाई तो है लेकिन खाजा वजा ना हम लोग के यहाँ कोई भी नहीं खाता है। तो बस देखिए सारा बर्तन वर्तन धुल ली थी और जो डब्बा उब्बा था सब धुलने वुलने के बाद, फिर यहाँ पर जो सब्जी जितनी थी, तो मैं कही चलो सब्जी भी धो के रख देती हूँ इसी समय। और धो के रखे रहूँ तो पानी पूरा सूख जाता है सब्जी का, तो फिर फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मटर जो कल ज़्यादा हो गई थी ना, तो मटर भी था, हम कही चलो इस मटर को भी धो के रख दूँ और देखूँगी इसको कुछ मैं बना दूँगी इसका। उसके बाद देखिए यहाँ की झाड़ू उड़ू लगा के और अब चलूँगी मैं नहा लूँगी। और इतना ना अच्छा था कि बर्तन धोने से काफ़ी ज़्यादा आराम रहता है, जो कि मुझे सही लगा। और ये आटा की टीप अभी मैं जानबूझ के नहीं धुली हूँ, क्योंकि ना इसमें मुझे धोना है कम्बल। और यहाँ पे फिर देखिए नहा धो के मैं पूजा वूजा सब कर चुकी थी, तो यहाँ पे मैं बना ली हूँ अपने लिए चाय। और मम्मी का मन नहीं था, फिर भी मैं गई पूछ के, कहीं मम्मी बस एक घोट दे दूँ चाय, कहीं अच्छा ठीक है दे दो। तो बस देखिए मम्मी को बस एक घोट दे रही थी चाय और मैं बना रही थी कान्हा जी के लिए भोग का प्रसाद। दोस्तों आप लोग भी चाय पी लीजिए गरम गरम। और यहाँ पे देखिए कान्हा जी के लिए आज सूजी का हलवा बना रही हूँ, मैं बना दो तो थोड़ी देर ठंडा हो जाए, उसके बाद कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। एक बार उन्हें दूध पिलाती हूँ, मिश्री का भोग लगा दी हूँ और बस एक हलवा बना दूंगी। और उसके बाद आज शनिवार है, तो आज खाना मैं खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि अभी कल रात का ना थोड़ा सा छोला रखा है, करीब छोटा वाला एक कटोरा भर के छोला रखा है। और सुबह पराठा बनाई थी तो वो भी तीन चार रखा है, तो बस खिचड़ी भर खाना मैं बनाऊंगी। और वो भी अभी नहीं बनाऊंगी, कम से कम 11:30 बजे या 12 बजे करीब बनाऊंगी खिचड़ी। आइए आप लोग भी हलवा खा लीजिए, देखिए बहुत ही अच्छा हलवा बन रहा है सूजी का। देखिए मैं कान्हा जी की कटोरी छोटी छोटी पीतल की, तो देखिए कान्हा जी को भोग मतलब कहाँ भोग करी, कान्हा जी का हलवा निकाल के रख दी थी जब तक उनका हलवा ठंडा हो रहा था ना, तब तक यहाँ पे देखिए मम्मी आज खोल के बैठी हैं अपना पूरा पिटारा खजाना का। तो बस वही, और ये जो दो तीन साड़ी हैं, तो मम्मी अभी जब अपने मायके अभी गई थी ना, तो ये वाली मिली थी ग्रीन वाली साड़ी, मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मम्मी कहीं ले लो, एक मन कर रहा है ले लूँ, फिर एक मन दुविधा में कहीं मम्मी भी
उनकी भी देखो लड़कियां आती जाती तो उन्हें भी चाहिए रहता है देने के लिए। खैर हम लोग तो करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि अपने पास भी कुछ होता है। लेकिन मम्मी मेरे से बहुत कही कि तुम्हें पसंद है इतनी तो ले लो। और सच में ना दोस्तों, इस साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद लग रही थी। इसका वर्क ना, और बहुत ही लाइट वेट साड़ी थी, इसका वर्क बहुत अच्छा था। और एक साड़ी जो मम्मी हाथ में ली है, एक साड़ी ये थी, तो इसका भी वर्क ना बहुत अच्छा था। जो देखिए बीच में हल्का हल्का आपको स्काई ब्लू में दिख रहा है, तो इसमें वर्क किया हुआ था। ये बहुत ज़्यादा सुंदर ये भी साड़ी लग रही थी। इस मम्मी साड़ी बहुत अच्छी अच्छी मिली थी मम्मी को, तो बस मम्मी जो हाथ में मम्मी ली है ना, तो मम्मी इसी का इसका ब्लाउज भी तैयार है। तो मम्मी कहें कि इसका ब्लाउज फिटिंग कर दो, क्योंकि परसों यानी कि परसों 4 तारीख को हमारे यहाँ बगल में बारात आएगी लड़की की, तो फिर मम्मी लोग जाती है ना। और ये एक कॉटन की साड़ी थी मम्मी को, तो मेरे ही पास ही रह गई थी, क्योंकि अभी बीच में बाजार गई थी तो इसमें बीडिंग करवाई थी ना, तो साड़ी वहाँ ही रह गई थी। तो मैं कहीं रुझा आपकी वो भी साड़ी लेती है। और ये देखिए मम्मी के पास भी एक से एक साड़ी है, तो बस वही सब मैं देख रही थी। और उसके बाद मैं कही चलिए मैं आपका रख रुख देती हूँ, तो यहाँ पे बस वही कर रही थी। और मम्मी ब्लाउज निकाली, तो वही बस मम्मी कही थी कि मेरा ब्लाउज फिटिंग कर दो। वही मम्मी का मन था कि वो जो स्काई ब्लू वाली साड़ी, वही पहनने का मम्मी को मन था। और एक साड़ी देखिए ये वाली थी जो मैं हाथ में ली हूँ, ब्लू कलर की, तो इसका कपड़ा कुछ खास नहीं था, फिर भी ठीक था। मैं कही चलिए बहुत देने पाने में भी साड़ी यूज आ जाती हैं, तो बस मम्मी यही सब रखवा रही थी साड़ी। और उसके बाद मम्मी और ना मम्मी का भी सारा ब्लाउज अब मुझे तैयार करना है, क्योंकि वो भी अब भी ठंडी कर रही हूँ, गर्मी में एक दो शादी है, और फिर कभी होता है ना कहीं आना जाना होता है, तो बस मम्मी का भी चलूँगी, ब्लाउज तैयार कर दूँगी। और उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी कान्हा जी को भोग लगाने, तो यहाँ पे देखिए मैं अपने कान्हों को भोग लगा दी हूँ। ये देखिए हलवा उनको पहले खिला दी थी और फिर रख दी हूँ, क्योंकि फिर से अगर भूख लगेगी तो खा लेंगे, तो इसलिए मैं मंदिर में ही रखी हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे कान्हा जी, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम छोटू से देखिए बैठे हैं। और उसके बाद फिर मैं भी आ गई थी, जो उस दिन सोफ़ा का कवर मैं आधा ही बनाई थी, अरे मतलब आधा कर रही हूँ, अरे आइए जो आगे आंगन में जो दोनों छोटा वाला सोफ़ा रखा है ना, तो उसका तो बन गया था कवर, और रह गया था बड़े वाले सोफ़ा का कवर। तो कही चलो आज बच्चे नहीं है घर पे, तो इसे भी बना के हटा देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं घर पे ना, तो मेरा काम बिल्कुल नहीं हो पाता है, आधा से ज़्यादा तो समय चिल्लाने में ही चला जाता है। जिसके बच्चे होंगे खुद समझता होगा कि आधा से ज़्यादा समय ना चिल्लाने में ही चला जाता है, कि ये मत करो, ऐसे मत करो, लड़ाई मत करो। और मेरे दोनों बच्चों में ना दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती, हम परेशान हो जाती, कभी कभी तो रोना आता है, कितना शरारत इन लोग करते हैं। तो यहाँ पे कैंची ना मेरी चोक नहीं थी, तो ये जो कांच की बॉटल होती है ना छोटी सी, जैसे कोई भी कांच की बॉटल अगर उस पर रफ करो कैंची पर ना, तो बहुत अच्छे से चलने लगती कैंची। तो यहाँ पे देखिए मेरे कैंची खूब अच्छे से चलने लगी, तो फिर इसको मैं कर ली थी कटिंग, और मैं बार बार जाके नाप रही थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा सोफ़ा है ना, तो डर लग रहा था कहीं छोटा वोटा ना हो जाए। और छोटा सोफ़ा था तो उसका मैं आराम से इजिली एकदम बन गया था, लेकिन जो बड़ा वाला हो रहा था ना, मैं बीच बीच में जाके नाप ले रही थी कहीं ऐसा ना हो कि छोटा हो जाए। तो देखिए ये तो जो था, एक पहले काटी थी तो आगे दोनों आगे का हिस्सा काटी थी, वैसे मैं एक्स्ट्रा नहीं काटती, लेकिन ना उसमें जोड़ना पड़ेगा कपड़ा, क्योंकि अगर एक ही खोली बनाऊँगी तो फिर डिजाइन नहीं मिलेगी मुझे, तो इसलिए मैं सोची कि जो डिजाइन वाला कपड़ा है ना, इसको मैं अंदर की तरफ कर दूँगी, ताकि एकदम आंगन का सोफ़ा और आगे वाला कमरा का सोफ़ा एकदम मैचिंग मैच हो जाए। तो बस इस तरह से देखिए जो कपड़ा मैं काट रही थी, इसका लंबाई में रखी थी 11 इंच, अरे सॉरी चौड़ाई 11 इंच रखी थी, और लंबाई तो पूरा सोफ़ा से मैं नापी थी, मैं लंबाई का मेजरमेंट नहीं ली थी, मैं सोफ़ा का डायरेक्ट नाप ली थी। अब फिर देखिए इसी में से मैं काट ले रही हूँ डोरी के लिए, और फिर मैं बैठूँगी अब सिलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा भी आगे सिलाई का पिटारा, यानी मेरी मशीन सिलाई की, और अब मैं अभी चलूँगी सिलने बैठूँगी। और जो ये ग्रीन वाला मैं लेस बताई ना आपको, ये मेरा अपना शॉर्ट वीडियो बनाई थी तो उसका था। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले ना दोनों तरफ का इसको सिल लूँगी, और उसके बाद फिर आप लोग को पूरा मैं बताऊँगी कैसे। कटिंग तो खैर आप लोग पूरा देख ही लियो, बहुत आसान और बहुत ही ईजिली तरीके से करी थी। तो उसके बाद और जब ये शाम को घर में आए ना, तो ये जब आगे वाला कमरा का सोफ़ा देखे आते ही मान मतलब गाड़ी से उतरे भी नहीं, तभी कहें कि तुम तो पूरा सोफे का लुक ही बदल दी हो, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था सोफ़ा। पीछे के साथ पीठ पे इस तरह से लगा रखनी है, और इसकी लंबाई ना जैसे सोफा की जितनी लंबाई थी उतनी रखती हूँ, और चौड़ाई भी, और एक देखिए दोनों साइड से मैं इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ। और अब इसमें ना मैं ऊपर से कपड़ा लगाऊंगी, ये देखिए ये, और इसकी लंबाई मैं रखी हूँ 11.5 इंच, और इस तरह से ना इसमें मैं अटैच करूंगी इस तरह से,
स्पून अटैच करूंगी। इसमें मुझे कुछ भी फोल्ड नहीं करना क्योंकि सब अंदर की तरफ हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ से मैं अटैच करूंगी, बस यही एक अटैच करूंगी। तो जो पीछे का हिस्सा है पीठ की तरफ जो बैक साइड का है मतलब सोफा का, काफी अच्छे से एकदम सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद देखिए मैं सब सिल ले रही थी, और अभी मैं खाना नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे बनाना है बस खिचड़ी। तो मैं सोची फट से सिल लूँ क्योंकि मुझे लगा कि सिलने में बस मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। तो मैं कही चलो पहले खिचड़ी बना लेती हूँ, अरे सॉरी मतलब पहले सिल लेती हूँ तब खिचड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी मैं सिल ले रही थी और फिर मैं चलूँगी बनाऊँगी खिचड़ी। एक तो ना पता नहीं कि दोस्तों मम्मी का 3-4 दिन से क्या, वो जब से मतलब अपने यहाँ से आई हूँ उनकी तबीयत नहीं ठीक है। अब देखिए हो सकता है तो कल संडे रहेगा तो कल ले जाएँगे दिखाने मम्मी को। तो यहाँ पे देखिए इसे मैं सिल ले रही हूँ और सिलने के बाद फिर देखिए आप लोग पूरा बताती हूँ। और अब यहाँ पे ना इधर और इस कोने में, बस इस कोने और इस कोने में डोरी लगाऊंगी करीब, मतलब वो ये देखिए इतनी लंबी में डोरी लगाऊंगी। इसमें से दो पार्ट करूंगी डोरी, तो इस तरह से डोरी इसमें दो लगाऊंगी मैं यहाँ की दोनों साइड में। और बाकी पीछे का पोर्शन तैयार हो गया है। बात की देखिए ये तो जैसे तकिया का खोल ही लिया जाता बस उस तरह से है। तो चलिए इसे भी सिल लेती हूँ और फिर आपको को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा सिल चुकी थी, तो मम्मी जो अपना ब्लू वाला स्काई ब्लू वाला साड़ी दिखाई, तो कहीं मेरा इसी समय फिटिंग कर दो ब्लाउज। बस मैं मम्मी का ब्लाउज फिटिंग कर रही थी, और ये ब्लाउज ना दोस्तों दूसरे तरह का सिला हुआ था, यानी कि जो बाजू बाद में जोड़ा जाता है तो वो वाला ब्लाउज था। तो मैं कही चलो अच्छा फिटिंग कर दी, मुझे ये वाला ब्लाउज ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पे देखिए हो गया, और अब चलती मैं अपने आगे वाले कमरे में अपने इसको सोफा रानी को सजाने के लिए क्योंकि बेचारी बहुत दिन से ऐसी पड़ी थी। मैं कही चलो आज इसे भी सजा देती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं झाड़ू से पूरा पीछे अच्छे से झाग ली थी, कहीं छिपकली उपकली तो नहीं है। और उसके बाद फिर देखिए इसमें मैं अच्छे से पूरा जाला, जो भी जाला तो भाई थोड़ा बहुत लगा ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी का खजाना और यहाँ पे भरा हुआ भी। उस दिन आप लोग आगे वाले अरे आगे वाले कमरा करी आंगन के सोफा में ही देखे कितना खजाना मम्मी रखी थी। मम्मी जितना भी जैसे जो डेली फूल आता है भगवान जी को चढ़ाने के लिए ना, तो उसका जो पॉलीथीन निकलता है तो मम्मी सब सोफा के नीचे रख देती हैं। और मैं कहूँगी कि मम्मी आप सब क्यों भर के रखती हैं, तो कहती अरे कभी कभार काम लगे। कहीं एक दो काम रखे पूरा क्या भरना जरूरी है। और बाकी खजाना प्रिंसी का भरा हुआ था, जितना भी कागज फटा हुआ निकलेगा ना तो सीखे या तो सोफा के नीचे या तो गद्दा के नीचे। तो देखिए इसे मैं अच्छे से झटक उटक दे रही थी, और देखिए अब इनका सजाने के समय आ गया है बेचारी दुल्हनिया को। अब चलो इनका भी साइत निकल गया है, आज बहुत दिनों के बाद बेचारी का साइत निकला है। तो यहाँ पे देखिए इसे और देख डालते ना इसका लुक सच में अच्छे, और ये एकदम ना ना बड़ा ना छोटा, मतलब एकदम फिटिंग का बैठा था, एकदम फिटिंग का। और ये देखिए डोरी में गलती से इस तरफ लगा दी थी, मुझे लगा कि मैं पीछे की तरफ लगाई, मैं सोची ना बीच बीच में भी एक एक डोरी लगा दूंगी तो शायद बांधने में ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन मेरा एक ही डोरी से काम चल गया था। यानी कि जो दोनों किनारे पर लगाई थी, जो बीच में मैं डोरी लगाई थी ना, तो इसे मैं काट दी थी, मैं गलती से लगा दी थी, मैं पीछे की तरफ लगाना चाहती थी डोरी। और यहाँ पे देखिए इस पर भी कवर चढ़ गया। तो देखिए जो मैं डिजाइन वाला कपड़ा था ना, तो उसको मैं अंदर की तरफ कर दी हूँ, और ये जो प्लेन कपड़ा था और उसका बॉर्डर करके मैं आगे की तरफ कर दी, जिससे ना इसका लुक बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए इसे पूरा अच्छे से हो गया था, जो सिलाई आगे की तरफ दिख रही थी। तो और ये ना जो बैठने वाला हिस्सा है ना, तो ये इसमें जितना भी मेरे घर में कतरन उतरन था, तो एक बार मैं इसका बना दी थी खूब भर के अच्छे से, तो जिस वजह से थोड़ा ये पतला और मोटा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ की पूरी बहुत सारा धूल निकला था जाला वाला। तो यहाँ की मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आपको इसका पूरा फुल लुक दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा था। अभी तो थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, ये देखिए इसका पूरा फुल लुक। अब मैं थोड़ा बैठ के भी देखती हूँ, तो देखिए कितना सच में ना बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम चिकना मतलब अच्छा लग रहा था। एक बार चलो हो गया, अब ये ना कुछ दिन के लिए हो जाएगा। और ये बेकार सिल्क की साड़ी भी यूज में आ गई थी, अगर आप लोग के पास बेकार सिल्क की साड़ी होगी तो आप लोग भी इस तरह से यूज कर लेना। तो उसके बाद फट से मैं आ गई थी खिचड़ी छोंक दी थी, क्योंकि 12 बज गया था। तो खिचड़ी छोंकने के बाद फट से देखिए मम्मी को निकाल के दे दूंगी।
तो चलिए दोस्तों, जिसको जिसको खिचड़ी पसंद है तो आ जाइए खिचड़ी खाने, गरम गरम देसी घी डाल के। और मुझे खिचड़ी तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं मम्मी को दे दे रही हूँ खिचड़ी। और ये ब्लाउज में मैं सिलाई मारी थी ना, तो मैं ऐसे अंदाज से सिलाई मार दी थी, तो थोड़ा फिटिंग था मम्मी को, तो मम्मी कहीं खोल के इसमें फिर से सिलाई लगा दो, तो बस मैं चलो फिर से सिलाई लगा दूँगी। और उसके बाद दोस्तों मम्मी का ब्लाउज व्लाउज सब कर दी थी, मेरा सोफ़ा का कवर भी बन गया था। और यहाँ पे मेरा एक पेटीकोट था तो उसकी सिलाई खुल गई थी, कहीं चलो उसमें भी सिलाई मार देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं रख दूँगी मशीन, फिर शाम को उसके बाद चलूँगी मैं भी खाना पीना खाऊँगी, क्योंकि ना मैं तो आज नाश्ता भी नहीं करी हूँ। जो भगवान जी का थोड़ा सा हलवा था तो मैं वही खा के पानी पी ली थी, थोड़ा सा बचा था कढ़ाई में, और थोड़ा सा मम्मी को दे दी थी पानी पीने के लिए। तो उसके बाद मम्मी भी देखिए अपना गर्म गर्म खा रही हैं खिचड़ी, और मैं बस मम्मी का ही सिल दूँगी। और ना मम्मी सिलाई तोड़ दी थी, मतलब जो सिलाई में लगाई थी तो उसे भी खोल दी थी मम्मी, और एक सिलाई और लगाई थी, दोनों सिलाई मम्मी खोल दी थी। तो बस मैं कही चलो अच्छा पहले इसमें सिलाई लगा देती हूँ। और दोस्तों अब आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट।